नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार बर्फी देवी की एक पर एक नई नई हार हो रही हैं और बर्फी देवी ने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पूरी तरीका से मीत अलावत की फैमिली को सौंप दिए हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मीत अलावत इस समय कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं कि चलो फाइनली जो हमारी प्रॉपर्टी गई हुई थी वो वापसी हो चुकी है। क्योंकि मीत हुड्डा और मीत अलावत दोनों भगवान का गुजार यानी कि प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं कि भगवान तूने जो छीना था वो वाकई में लौटा दिया है। वहीं पे ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर मीत अलावत बर्फी देवी की बेटी नीलू के कनपट्टी पर बंदूक नहीं रखते तो ये सब कुछ संभव नहीं था। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कितने पापड़ बेलने पड़े थे मीत अलावत को इस चीज़ करने के लिए, लेकिन बर्फी देवी का जो गरुड़ टूटा है अब बर्फी देवी शांत बैठने वालों में से नहीं है। क्योंकि बर्फी देवी इज बैक यानी बर्फी देवी फिर से वापसी आएगी, और वापसी भी वैसे नहीं आएगी बल्कि एक ताबड़तोड़ तरीके से वापसी आने जा रही है, और वापस आने के बाद में फिर से पूरी फैमिली की नींदें हराम करने वाली है। क्योंकि बर्फी देवी शांत रहने वालों में से नहीं है बल्कि उसे एक मौके का इंतजार चाहिए और वो ही मौका ढूंढ रही है। जी हाँ, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले एपिसोड में जहां मीत हुड्डा और मीत अलावत की जिंदगी में एक ऐसा शख्स की एंट्री हो रही है जो पूरी लाइफ को तबाह करने की कोशिश करेगा मीत अलावत और मीत हुड्डा की लाइफ को। आप लोग जानते ही हैं कि दोनों की लाइफ में खतरा अभी भी न्यू का न्यू मंडा हुआ है, और वाकई में वो खतरा अब देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड के साथ में। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस बार मीत हुड्डा को और भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा मीत अलावत के साथ मिलकर। साथ ही दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइज आपको मेरी वीडियो आखिर कैसे लग रही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइज।